हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश कुमार सर, स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर कोई भी आप सामान स्पाइस मनी के थ्रू से परचेस करते हैं दोस्तों, तो कैसे आप उसे रिपेयर या रिप्लेसमेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पाइस मनी कंपनी जो है कैसे उसे उसका प्रोसेस है जो फॉलो करवाती है, या किस तरह से आप स्पाइस मनी के जो भी प्रोडक्ट है उसको रिपेयर या रिप्लेसमेंट करेंगे दोस्तों, तो आज की वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ जो नए यूजर्स यानी नए स्पाइस मनी एजेंट बनना चाहते हैं वो भी बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कोड आपको मिल जाएगा, जाके ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा कि कैसे आपको ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेना है, तो पूरी जानकारी दी गई है दोस्तों। चलिए तो समझते हैं कैसे आपको जो है अपने प्रोडक्ट को रिपेयर या रिप्लेसमेंट करना है। सभी स्पाइस मनी अधिकारियों के लिए खास सूचना, अपनी हार्डवेयर डिवाइस के खराब होने पर अपना बिजनेस सुचारू रूप से चालू रखें और जल्द से जल्द उस फॉल्टी डिवाइस को रिपेयर या रिप्लेसमेंट के लिए स्पाइस मनी के नोएडा ऑफिस भेजें। कृपया ध्यान दें, कोई भी फॉल्टी डिवाइस या हार्डवेयर जैसे कि बायोमेट्रिक मशीन, मिनी मैजिक, ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर, मॉर्फिन ATM, फिनो ATM, यदि आप रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट के लिए स्पाइस मनी के नोएडा ऑफिस भेज रहे हैं, तो पहले डिवाइस रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन रिक्वेस्ट रेज करें। आप स्पाइस मनी अधिकारी ऐप या B2B पोर्टल दोनों के माध्यम से इस डिवाइस रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे डिवाइस रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। आप अपनी स्पाइस मनी अधिकारी यूजर ID और पासवर्ड से B2B पोर्टल या स्पाइस मनी अधिकारी ऐप में लॉगिन करें। पोर्टल द्वारा टिकट रेस करने के लिए डिवाइस रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट मॉड्यूल पर क्लिक करें और ऐप द्वारा टिकट रेस करने के लिए मोड पर टैप करके सेटिंग्स में जाएं और डिवाइस रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट पर टैप करें। आगे का प्रोसेस ऐप या वेब दोनों में सेम रहेगा, हमने इस प्रोसेस को वेब के माध्यम से पूरा किया है। क्रिएट रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। कोरियर करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस का इस्तेमाल करें। जो डिवाइस रिपेयर या रिप्लेसमेंट करवानी है उसे चुनें। तो डिवाइस की फ्रंट साइड और बैक साइड की फोटो अपलोड करें। यदि आपके पास डिवाइस का सीरियल नंबर है तो यस सेलेक्ट करें। बायोमेट्रिक मशीन के केस में डिवाइस की लास्ट की 7 डिजिट नंबर एंटर करें, जो कि आपको डिवाइस की बैक साइड में मिलेंगी। मिनी मैजिक के केस में शुरू के 12 डिजिट नंबर एंटर करें। ब्लूटूथ प्रिंटर के केस में पूरे 11 डिजिट का नंबर एंटर करें। मॉर्फिन ATM के केस में पूरे 14 डिजिट का नंबर एंटर करें और फिनो ATM के केस में उस डिवाइस के 8 डिजिट नंबर एंटर करें। जैसे कि यदि डिवाइस का नंबर ये है तो आप ये एंटर करें। यदि आपके पास डिवाइस का सीरियल नंबर नहीं है तो नो सेलेक्ट करें। फॉल्टी डिवाइस की इनवॉइस डेट सेलेक्ट करें, इनवॉइस नंबर डालें और फॉल्टी होने का रीजन ड्रॉप डाउन में से चुनें। रिमार्क्स में जो भी डिवाइस में प्रॉब्लम है वह भी लिखें। यदि आप अपने स्पाइस मनी के साथ रजिस्टर्ड एड्रेस पर ही डिवाइस वापस मंगवाना चाहते हैं तो सेम एज रजिस्टर्ड एड्रेस को सेलेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, और यदि किसी दूसरे एड्रेस पर डिवाइस मंगवाना चाहते हैं तो न्यू एड्रेस को सेलेक्ट करें, अपना पूरा एड्रेस डालें, अपना पिन कोड डालें, स्टेट सिटी एंटर करें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालें। यदि आपने पहले से ही डिवाइस को रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट के लिए भेज दिया है तो डिस्पैच की डिटेल्स एंटर करें, जैसे कि डिस्पैच की डेट, डिस्पैच पार्टनर यानी कि सर्विस कोरियर का नाम और कोरियर का ट्रैकिंग नंबर एंटर करें। टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और एक्सेप्ट करें। नीचे स्क्रॉल डाउन करें, दिखाए गए निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और सबमिट पर क्लिक करें। आपका टिकट नंबर क्रिएट हो चुका है। अपनी स्पाइस मनी अधिकारी ID के साथ रेज्ड रिक्वेस्ट का टिकट नंबर कोरियर पर अवश्य लिखिए। यदि बिना स्पाइस मनी अधिकारी ID व टिकट नंबर के बिना कोई भी डिवाइस नोएडा ऑफिस एड्रेस पर आती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोरियर भेजने के बाद डिवाइस की कोरियर की डिटेल्स अपलोड करना जरूरी है, क्योंकि डिटेल्स अभी आपकी पार्शली सबमिट हुई है। डिटेल्स अपडेट करने के लिए पेंडिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करें, टिकट ID पर क्लिक करें। जो डिटेल्स आपने पहले अपडेट की है वह ऑटोफिल होकर आएंगी। आपको केवल कोरियर की डिटेल्स एंटर करनी है। डिस्पैच की डेट सेलेक्ट करें, डिस्पैच पार्टनर यानी कि सर्विस कोरियर का नाम डालें और कोरियर का ट्रैकिंग नंबर एंटर करें। टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और एक्सेप्ट करें। अपडेट एंड सबमिट पर क्लिक करें। रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गई है। सारी डिटेल सबमिट होने के बाद 24 घंटे के अंदर स्पाइस मनी रिप्रेजेंटेटिव की कॉल आपको आएगी, जिसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी।
व्यू स्टेटस में जाके आप आपके द्वारा स्पाइस मनी नोएडा ऑफिस भेजी गई डिवाइस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप अप्रूव्ड यानी कि डिस्पैच टू बी रेडी फिल्टर लगाते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा नोएडा ऑफिस भेजी गई डिवाइस अप्रूव होकर डिस्पैच के लिए रेडी है या नहीं। यदि आपकी डिवाइस डिस्पैच हो चुकी है तो आप डिस्पैच फिल्टर लगा के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यदि डिवाइस पर अभी काम चल रहा है तो वह पेंडिंग में शो करेगी, आप पेंडिंग फिल्टर लगा के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और यदि आपके द्वारा भेजी गई डिवाइस किसी कारणवश रिपेयर या रिप्लेसमेंट नहीं हो पाती है और रिजेक्ट हो जाती है तो आप फेल्ड का फिल्टर लगा कर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके करें अपनी फॉल्टी डिवाइस का टिकट नंबर रेज डिवाइस रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट मॉड्यूल द्वारा। धन्यवाद। तो आपने देख लिया कि किस तरह से जो है इसका प्रोसेस को आपको फॉलो करना और कैसे आपको अपने जो है डिवाइसेस को रिपेयर या रिप्लेसमेंट करना, तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी हद तक पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों नए अगर स्पाइस मनी एजेंट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कोड दिया गया है जिसे कि आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग करते समय आप यूज करेंगे, जिससे कि आपकी आईडी आपको 10 मिनट के अंदर में मिल जाएगी दोस्तों, जिससे कि आपकी आईडी तुरंत ही एक्टिव भी हो जाएगी और आप स्पाइस मनी एजेंट बनेंगे दोस्तों, जिसका जो है कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्पाइस मनी एजेंट बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।